अगली खबर में बात करते हैं भिंड की, जहां दबोह थाना क्षेत्र में 6 बदमाशों को शनिवार की सुबह मुठभेड़ में खेत पर बने एक कमरे से दबोच लिया। पुलिस को बदमाशों से 5 अवैध हथियार मिले हैं, जिनमें 4 कट्टे और एक कार्बन स्टाइल की बंदूक भी बरामद हुई है। बदमाशों से 9 जिंदा कारतूस व 1 खोखा बरामद हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों में 2 सगे भाई हैं, वहीं 2 चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। हालांकि इन बदमाशों पर अब तक कोई गंभीर मुकदमा दर्ज नहीं है। पुलिस इन्हें नौसिखिया बदमाश बता रही है। भिंड पुलिस के हाथ पहली बार ऐसी गिरोह हाथ लगी है, जिसके सभी सदस्य नौसिखिए बताए जा रहे हैं। इन बदमाशों में 20 साल से लेकर 49 साल के सदस्य शामिल हैं। दबोह थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा के मुताबिक दबोह और असवार थाना क्षेत्र के कई गांव में पिछले दिनों से लगातार बदमाश घूमने की खबरें आ रही थीं। कुछ किसानों के समय रात के समय बदमाशों ने मारपीट की, तो कईयों के साथ लूटपाट की घटना भी घटित हुई थी। बदमाशों के भय से किसान रात के समय खेतों पर फसल की रखवाली के लिए भी जाना बंद कर चुके थे। दबोह थाना पुलिस ने इन बदमाशों को शनिवार की तड़के सुबह 3 बजे दबोच लिया। ये बदमाश फरदुआ के हाल में बनी एक कोठी से पकड़े गए। रात 3 बजे पुलिस दबोह थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने बदमाशों की घेराबंदी की। 2 बजे के करीब देवरी के पास एक ट्रैक्टर को पुलिस ने रुकवाया। इस ट्रैक्टर में बैठकर पुलिस फरदुआ तक पहुंची। करीब 1.5 किलोमीटर अंदर पुलिस ने मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर उस स्थान पर पहुंची, जहां बदमाश छिपे हुए थे। बदमाशों ने पहले हवाई फायर ठोका, जब पुलिस ने ललकारा तो बदमाशों ने अपने हथियार कुएं में फेंकते हुए भागना चाहा। पुलिस ने बदमाशों को भागने नहीं दिया और सरेंडर कराया। पुलिस ने करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद बदमाशों के हथियारों को गोताखोर की मदद से कुएं से निकलवाए। पुलिस ने जब दबिश दी तो 6 बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक ये सभी बदमाश फरदुआ गाँव के रहने वाले हैं, जिनमें राम नरेश शर्मा, शिवम शर्मा, अखिलेश, राजीव शर्मा, कल्लू उर्फ ध्रुव, राजू शर्मा को दबोच लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों में राम नरेश और राजू शर्मा सगे भाई बताए गए हैं, वहीं कल्लू और राजीव सगे चचेरे भाई हैं। फरदुआ के हार में एक बनी हुई कोठी पर दबिश दी गई, तो उसमें से छत पे जाके एक व्यक्ति ने फायर किया और फायर करने के बाद थोड़ी देर बाद जब उनको फिर सरेंडर करने के लिए कहा गया कि आप लोग नीचे आ जाएं और कोठी का दरवाज़ा खोल दें, तो उनके द्वारा एक रस्सी में बांध के कुछ सामान कुएं में फेंका गया और उसके करीबन आधा घंटे बाद बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और 6 लोग थे, राम नरेश शर्मा, राजीव शर्मा, शिवम शर्मा, अखिलेश शर्मा, कल्लू शर्मा और राजीव शर्मा। निशादेही पर उसी कोठी में बगल में बने कुएं में डूबा, बिजपुर से डूबा बुला के और उसमें सर्च करवाया, तो उसमें से 4 अधिया 315 बोर की पाई गई और एक कार्बन स्टाइल की एक 122 की गन भी मिली है।